बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पेपर हैकर में। मैं सूरज राज आज के इस वीडियो देखने वाले हैं। देखिए जो पेपर आपको देख रहे हैं ये है राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का है, जो फैजाबाद में है, कह सकते हैं अयोध्या बोल सकते हैं। और बीएससी सेकंड वालों का बॉटनी का सेकंड पेपर है। बॉटनी का फर्स्ट पेपर में जो हमने बताए थे वो सारे क्वेश्चन आए थे और 88% फंसा था वहां से, मतलब कि पेपर पहले से लीक हो गया। इस तरीके से कह सकते हैं आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, जो हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं वही पढ़ा करो, बाकी कुछ और मत देखा करो। पेपर में वही आएगा, बाकी कुछ और देखने की आपको जरूरत नहीं है। ये 2022 का पेपर है। यूपी के आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं और आप पेपर होने वाला है आपका बॉटनी जियोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स, तो जो इतने पेपर मैं आपको अपलोड कर रहा हूं वही पेपर को बस उतने क्वेश्चन को पढ़ लो जो मैंने दिए हैं, वही पढ़ना है, बाकी कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। वही छपेगा आपके पेपर में, बाकी कुछ और नहीं छपने वाला। तो आपने अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। एक हमारा नया चैनल है जिसका नाम है खिलाड़ी भैया XYZ, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और आप हमारे नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप हमारी वेबसाइट पर जाकर पेपर .in पर जाकर भी देख सकते हैं, वहां भी आपको नोट्स का लिंक मिल जाएंगे, जाके देख सकते हैं, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करो, ओके। और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। देखो मैं जो बताता हूं वही पेपर में आ रहा है, तो आप कुछ और मत पढ़ना, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, जो मैंने बताया वही पढ़ो। 50 नंबर का पूरा पेपर था, 3 घंटे में आपको सॉल्यूशन करना है। अब देख लीजिए 10 क्वेश्चन आपको करोगे, 1 नंबर के हिसाब से 10 नंबर के बन जाते हैं, मतलब 50 वर्ड में लिखना है, मतलब कि एक जो पेज होता है आपका ऊपर वाला आधा भर दो, काम हो जाएगा वही आंसर। अब देखो आपके सामने दे रखे हैं 50 वर्डों में आंसर करना है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो देखो पहले क्वेश्चन का पहला आ गया साइटोप्लाज्मिक, ठीक है। अब साइटोप्लाज्मिक क्या होता है आपको ये बताना है, इनहेरिटेंस के बारे में संक्षेप में वर्णन करिए, ये क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद में देखो यहां पूछा गया है मोनोजोइक और ट्राइजोनिक, ठीक है, में अंतर क्या होता है, दोनों में अंतर पूछा गया है, ये दोनों क्वेश्चन देख लीजिए। और यहां देखिए ये क्वेश्चन भी हमने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया था, जड़ोदित्व क्या होता है इसके बारे में आप लिखिए। पूरा क्वेश्चन वही फंसा है जो हमने आपको इंपोर्टेंट दिए थे। ये क्वेश्चन देख सकते हो, हाइड्रेट का वर्णन करने के लिए पूछा गया, ये भी हमने क्वेश्चन दिया था आपको। और देखो ये क्या है, टीएच जो मार्गन थे उनका योगदान क्या रहा, ये मैंने आपको इंपोर्टेंट नहीं दिया था। देखो अर्धसूत्री विभाजन के महत्व के बारे में ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट दिया था, ये भी पूरा क्वेश्चन आया है, जो हमने पहले बताए थे पेपर से पहले वही छपे हैं। देखो लेम्स रोस क्रोमोसोम क्या होते हैं, ये भी क्वेश्चन वही आया है जो मैंने आपको इंपोर्टेंट दिया था, देख सकते हैं। उसके बाद में है हाइड्रेला तने के जो अनुप्रास काट के संक्षेप में वर्णन करना, ये क्वेश्चन मैंने आपको इंपोर्टेंट नहीं दिया था। उसके बाद में देखो पॉलीप्लाइड क्या होते हैं, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको इंपोर्टेंट दिया था। और यह बोला गया है जो कोशिका होती है, कोशिका का ऊर्जा स्रोत के बारे में, पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस किसे बोलते हैं आपको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ कोशिका, तो कोशिका का पावर हाउस किसे बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में यहाँ एक्सप्लेन करना था आपको, पूरा क्वेश्चन वही फंसा है, देख लीजिए। उसके बाद नीचे चले जाइए सेक्शन नंबर बी में, देखो सेक्शन नंबर पर यहाँ जोड़ तो लो कितने क्वेश्चन फंसे हैं। अब यहाँ देखिए एक क्वेश्चन गलत गलत वाले को ऐड करिए, एक तो क्वेश्चन ये गलत गया है, और उसके बाद में एक ये गलत गया है दो, और उसके बाद में ऊपर चले जाइए एक ये तीन क्वेश्चन गलत गए हैं, बाकी सभी फंसे हैं, मतलब कि आप कह सकते हैं 3 गलत 7 नंबर की आपका गलत गया है, ठीक है, सॉरी 7 नंबर फंसे हैं, 3 क्वेश्चन गलत गए, 3 नंबर कम कर दीजिए, ठीक है 10 में से। अब यहाँ सेक्शन नंबर बी में पहुंच जाइए, यहाँ आपसे 200 वर्ड में आंसर देने को बोला है। देखिए एक पेज होता है इस तरीके का, जब आप पेज यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं तो आपको 200 वर्ड का मतलब क्या होगा, एक इस साइड लिख दीजिए और उसको पलटिए और उस साइड लिख दीजिए, और हो सके तो तीसरा जो पॉइंट पलटिए उसका आधा लिख दीजिए, काम हो जाएगा, ठीक है। 200 वर्ड में 5 नंबर के हैं तो 25 नंबर का आपका हो जाता है। 5 क्वेश्चन आपको सोल्यूशन करना है। पहला क्वेश्चन देखो कह सकते हैं उत्परिवर्तन के महत्व संक्षेप, म्यूटेशन, पूरा क्वेश्चन देखो म्यूटेशन क्या होता है, पूरा क्वेश्चन वही आया है सिग्निफिकेशन करने के लिए, पूरा क्वेश्चन 5 नंबर का फंसा है। आप ये ना कर सके तो ये वाला कौनसर कर सकते हो, कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, जीन का कॉन्सेप्ट आपको बताना है, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन देखो 5 नंबर का फंसा है, जो आपका दिल करे वो क्वेश्चन किया करो, क्वेश्चन जो हम बताते हैं वही पेपर में आता है, बाकी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। यहां कह रहा है रेखांकित चित्र, मतलब आपको चित्र बनाकर सहायता से आपको बताना है कोशिका केंद्र का वर्णन, मतलब कि कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, केंद्रक जो होता है, न्यूक्लियस होता है, उसका आपको वर्णन करना है। पूरा 5 क्वेश्चन वही 5 नंबर का बचा है जो मैंने आपको बताया था। अब देखो फूड चैन आ गया और ग्रीन हाउस इफेक्ट आ गया, पूरा 5 नंबर का आप ये कर दो, आपका जो दिल करे वो करो यार, ठीक है ना, जो दिल करे। देखो ये भी मैंने आपको इंपोर्टेंट दिया था, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या था, खाद श्रृंखला क्या होती है, होलो फ्लैट्स, ये मैंने आपको इंपोर्टेंट दिया, इसको छोड़ दीजिए, बस दोनों कर दो करने के लिए बोला गया उसमें क्वेश्चन में। अब यहां देखो चौथे क्वेश्चन में ये देखो यहां बोला गया है उदाहरण सहित आपको बताना है, उपरोक्त उदाहरण की सहायता से लिंग निर्धारण,
मतलब कि प्लांट के अंदर, पौधे के अंदर लिंग निर्धारण किस तरीके से होता है, ये क्वेश्चन मैंने आपको इंपोर्टेंट दिया, देखो पूरा फंसा है। उसके बाद में आप कह रहा है ये ना करना चाहो तो इसके अथवा आपके तीन क्वेश्चन कर सकते हो, तीन क्वेश्चन इसने चार क्वेश्चन पूछे हैं, कोई तीन क्वेश्चन कर दो। कौन कौन से? द्विपुंगी संकर किसे कहते हैं, देखो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको, लिंग संगत वंशागति लक्षण ये भी बोला गया, सैलंगता किसे कहते हैं ये भी पूछा था आपसे, और साइटोप्लाज्मिक वंशोगत के बारे में जो आपका दिल करे वो कर सकते हो। मेरे हिसाब से ऊपर वाला कर देना, ये फालतू मत करने की जरूरत नहीं है। पांचवें क्वेश्चन में पहुंच जाओ, ठीक है, ऊपर वाले कर देना, ये ना करो ये वाला कर देना, लिंग के निर्धारण किस तरीके से होता है प्लांट के अंदर, पूरा क्वेश्चन है 100% हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, यूपी के आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आप ये पेपर को देख लो ध्यान से, जो हम बताते हैं वही आता है। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। यह बोला है उपार्जित, देखो उत्परिवर्तन और प्रेत उत्परिवर्तन में अंतर, दोनों मैंने आपको इंपोर्टेंट दिए थे, उत्परिवर्तन और प्रेत उत्परिवर्तन, पूरा क्वेश्चन वही फंसा है पांच नंबर का। आप ये ना करना चाहो तो इसके नीचे वाला कर सकते हो, दो क्वेश्चन आपको करना है। देखो एक तो उसने पूछा है टेस्ट क्रॉस बैंक क्रॉस, ये भी क्वेश्चन फंस गया, और जीन और जीमोन ये भी फंस गया, और देखो कह रहा है जीमोन टाइप, मतलब जीमोन के टाइप क्या होते हैं, फ्लो टाइप के बारे में, फ्लोनो टाइप, ठीक है, ये पूरा टाइप जो होता है, कोई सा क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दो करना है आपको, पांच नंबर का फंस जाता है। राइबोसोम की संरचना पूरा क्वेश्चन भाई फंसा है, और प्रोटीन की संरचना के बारे में, संश्लेषण क्या होता है पूरा, और ये देख सकते हो पृथक्करण, देखो ये आपके आगे मेंडल के नियम, पृथक्करण का नियम, पूरा मेंडल के तीनों नियम याद करने के लिए गए थे, पूरा पांच नंबर का, मतलब कि कुछ भी फालतू नहीं आए, 25 नंबर ये फंसे, 7 नंबर वो हो गए, पूरे देख लो कुछ भी बाहर नहीं गया, 25 और 7 आप लगा सकते हो, आपके हो गए 32 नंबर यहां हो गए। अब हम पहुंचते हैं लॉन्ग क्वेश्चनों में, लॉन्ग क्वेश्चन आपको दो करना है, पांच क्वेश्चन पूछता है जिसमें से आपको दो क्वेश्चन करने होते हैं, दो क्वेश्चन करिए 500 वर्ड में, मतलब कि आपको तीन पेज भरना होता है, समझ रहे हो, तीन पेज के इधर उधर के भरने होते हैं, मतलब कि 6 पल्ट भरना पड़ेगा, 7.5 नंबर का है, दो क्वेश्चन करिए 15 नंबर आपको मिलेंगे देखने को। अब यहां 7वें नंबर क्वेश्चन पहुंचो, देखो कोष का विभाजन, अरे भाई भाई मजा आ गया, देखो कोष का डिवाइजेशन जो होता है, पूरा क्वेश्चन भैया कोष का विभाजन की परिभाषा, समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन, पूरा वही फंसा है, पूरा 7.5 नंबर का देख लो, वही जो हमने बताया था वही क्वेश्चन आए हैं, कुछ भी बार म्यूटेशन, देखो म्यूटेशन आ गया, उत्परिवर्तन क्या होते हैं, प्रेत उत्परिवर्तन, वही क्वेश्चन 7.5 नंबर का देखो, लॉन्ग में दोनों क्वेश्चन फंस गए लगातार, ये चाहो तो कर सकते हो। और इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम देखो, इकोसिस्टम के परिभाषित क्वेश्चन को मुख्य मार्क कौन कौन से होते हैं, पूरा 7.5 नंबर का क्वेश्चन फंसा है, जो हमने बताया कुछ भी बाहर नहीं जा रहा है, आप देख सकते हो। और यहां देखिए तीन क्वेश्चन आपको करना है 10 के, जो आपको अच्छा लगे, देखो वायु प्रदूषण कर सकते हो, ठीक है, मृद मतलब अनुकूलन लक्षण कर सकते हो, ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको इंपोर्टेंट दिए थे, और मैग्नाइक वनस्पति ये नहीं दिया था, और ये आपको देख सकते हो, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट, इसमें केवल दो फंसे, हमसे तीन क्वेश्चन करने के लिए बोला गया है। और यहां देखिए 11वें जीन कह सकते हैं इंट्रैक्शन क्या होता है, जीन इंट्रैक्शन के बारे में चार उदाहरण सहित आपको बताना है, ये क्वेश्चन मैंने शायद इंपोर्टेंट नहीं दिया था, जीन इंट्रैक्शन के बारे में तो छोड़ दीजिए, बाकी आप ऊपर के कर सकते हो, 7.5-7 नंबर के आप आसानी से फंस चुके हैं, आप देख सकते हो। ये भी क्वेश्चन पूरा फंसा है, देखो 9वां क्वेश्चन पूरा फंसा है, 8वां भी फंसा है, और उसके बाद में फंसा है 7वां, देखो क्वेश्चन, ठीक है, 7वां क्वेश्चन फंसा है, आपको केवल दो क्वेश्चन करने हैं, तीन क्वेश्चन फंस गए हैं, तो आप लगा सकते हो। देखो कितने थे, 32 नंबर वो और 15 नंबर ये, कितने हो गए बेटा 7 और 4, 47 नंबर का फंसा है, आप लगा सकते हो। 50 नंबर का पेपर था, इंटू 100 कर दीजिए, हो जाएगा तुम्हारा इंटू 2, मतलब 47 × 7 × 14 हो जाएगा, हाँ सर 1 और 8 और 1 9, 94% ये पेपर में फंसा है, देख सकते हैं आप, आपके सामने है 94% पेपर में फंसा है, 100 में जो हमने क्वेश्चन दिए थे 94% वही आया है, तो आप लगा सकते हो। आपको बनना है 2022 का टॉपर, तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, और खिलाड़ी भाई XYZ को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक यू।